अम्बाला में आज अग्रवीर महिला भर्ती 2022 रैली का आयोजन खड़गा स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है। इस भर्ती के लिए भारी मात्रा में हरियाणा, हिमाचल राज्य एवं दिल्ली व चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों से महिला अभ्यर्थी भाग लेने के लिए पहुंची। इस भर्ती रैली में आज अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में अभ्यर्थी पहुंची। सेना की तरफ से खड़गा स्पोर्ट्स स्टेडियम में परीक्षा लेने के लिए पुलिस व सेना ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम किया गया। मेरा नाम शिक्षा, मैं जींद से हूँ। तो क्या मोटिव मिला जो आपको यहाँ पे महिला इसमें आना पड़ा? यहाँ पे मेरे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रखा है कि लड़कियों को भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लड़कों के बराबर, कि वो भी अपनी पावर दिखा सकती हैं, कि वो भी लड़कों से कम नहीं है। बहुत मतलब खेलों में तो लड़कियाँ थी, अब आर्मी में भी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को। जो आज सारा कुछ आप यहाँ पे कर रही थी, जंपिंग कर रही थी, रनिंग कर रही थी, तो आपके गांव में किस प्रकार से इस पर, क्या ऐसा स्टेडियम है वहाँ पर? नहीं सर, ऐसा स्टेडियम नहीं है, हमने सड़क पर ही की है ये। मेरा नाम अनुजा है, मैं हरियाणा के मातनहेल गांव से हूँ और हरियाणा में राज्य डिस्ट्रिक्ट हमारा झज्जर। मेरे फैमिली में कोई नहीं, मतलब डिफेंस में कोई नहीं है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं डिफेंस में जाऊँ, क्योंकि पापा का एम था कि वो डिफेंस में जाएँ। फिर भाई भी वो सपना पूरा नहीं कर पाए, तो अब मेरा सपना है। मैंने लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, एफकेट और सीडीएस बोथ में ट्राई भी किया है, लेकिन वहाँ पर नहीं हो पाया। तो अब सरकार, मोदी सरकार ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को अग्निवीर की, तो अब मैं इसके थ्रू अपनी फैमिली का सपना पूरा करना चाहती हूँ। पहले भी कोई आपकी फैमिली में है यहाँ से? नहीं, मेरी फैमिली में कोई नहीं है डिफेंस से, इवन कोई गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं है। स्पोर्ट कहाँ से मिला आपको यहाँ पे यहाँ आने के लिए? स्पोर्ट पापा से मिला है, पापा प्रैक्टिस करते थे पहले, बहुत तैयारी किया पापा ने अपने टाइम पे, लेकिन उनका नहीं हुआ। तो पापा स्टार्टिंग से बोलते थे कि कुछ भी हो जाए, हो चाहे ना हो, अपना फिजिकल फिट रखो। और आगे जाके जब प्लस टू के बाद में मैंने अपनी बीएससी में एंट्रेंस किया, तो उसके बाद मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, और एनसीसी में से मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। पापा का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पे आए? जी सर, पापा के साथ साथ अब मेरा भी एम है कि मैं अब कुछ ना कुछ तो करूँ अपने देश के लिए।